नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। सुरक्रम मुख्य समाचार सा। काठमांडू का कीर्तिपुर में ढाल में पर एक गोटे साइकिल यात्री का जान गया। बर्दिया से काठमांडू के लिए छूटल बस नंबर परास में दुर्घटना, 11 घायल। बिहार पंचमी के लिए प्रदेश सरकार से 50 लाख सहयोग, प्रदेश सचिवालय भवन के नाम मधेश भवन रखवा का निर्णय। नेकपा का नामक विवाद मिलल, निर्वाचन आयोग से सत्तारूढ़ दल नेकपा के आधिकारिक रूप में वैधानिक दल गया। आ पीपीएल में आए पारस आ सोमपाल तथा दीपेंद्र आ ज्ञानेंद्र के टीम इस प्रतिस्पर्धा। आप समाचार विस्तार से। काठमांडू का कीर्तिपुर में लैबोरेटरी स्कूल नजदीक ढल में पर आई भिनसर एक गोटे साइकिल यात्री को जान गए। जान गुमुनिहार अंदाजी 35-40 वर्ष के पुरुष के परिचय नहीं खुलल। सड़क कात में खुला रहल ढल के खदिया में यात्री साइकिल सहित खसल छल। स्थानीय बासिंदा से व्यक्ति ढल में खसल जानकारी देला बाद गेल प्रहरी से ओकरा ढल से निकालल छल। वो कोनो समय ढल में खसल जानकारी नहीं भेल। से बेर बेर स्थानीय नागरिक सड़क में खुला रूप में रहल ढल व्यवस्थापन कर आग्रह करते आयल। बादो से सरकार वाला निकाय व्यवस्था करते आयल। स्थानीय वासी से आरोप लगाओल गेल। बर्दिया से काठमांडू के लिए छूटल बस आई भिनसर नवरपरासी में दुर्घटना में पड़ल। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत नवरपरासी के मध्य बिंदु नगरपालिका 11 अरुण नदी में आई भिनसर बस दुर्घटना भेला से 11 गोटे घायल भेल। बर्दिया से काठमांडू के लिए छूटल ना चौक 8439 नंबर के बस सड़क कात में रोक कर राखल। ना चौक 592 नंबर के ट्रक में ठोकेला से दुर्घटना भेल। दुर्घटना में पर घायल भेल 11 गोटे के नया मेडिकल कॉलेज भरपूर में उपचार भ रहल। जिला प्रहरी कार्यालय नवरपरासी पूर्व जनौलक। घायल सबक अवस्था गंभीर नहीं रहल प्रहरी जनौलक। घायल सबक नाम ठेगाना खुला बाकी रहल प्रहरी जनौलक। राम जानकी विवाह पंचमी महोत्सव भव्यता सब मनाब प्रदेश सरकार 50 लाख देवाक निर्णय कलक। काल संपन्न मंत्री परिषद के बैसार हिंदू सबक महान उत्सव के प्राथमिकता में रखत ई निर्णय कलक। प्रदेश सरकार जनकपुर चुरोट कारखाना के परिसर में रह प्रदेश सरकार सचिवालय के मधेश भवन नामकरण कलक। मंत्री परिषद के काल संपन्न बैसार जचुकाली भवन परिसर भीतर रहल हाल कायम रहल सचिवालय के भवन के मधेश भवन घोषणा कैल गए। से एक महीना भीतर आवश्यक कर्मचारी पठाब संघीय सरकार के आग्रह कैल गए। से मंत्री परिषद के काल संपन्न बैसार में प्रदेश सरकार कर्मचारी संगठनात्मक संरचना अनुसार कर्मचारी एक महीना भीतर पठाब संघीय सरकार के आग्रह करवाक निर्णय कलक। एक महीना भीतर संघीय सरकार आवश्यक कर्मचारी नहीं पठला पर प्रदेश सरकार अपन व्यवस्था करवाक निर्णय से मंत्री परिषद के बैसार कलक। निर्वाचन आयोग सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के आधिकारिक रूप में वैधानिकता दिलक। पीसी कटेल समूह के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अपना आधिकारिक रहल आ सत्तारूढ़ दल अपन नाम चोरी के आरोप लगवैत निर्वाचन आयोग में निवेदन देने छल। दू दल बीच के नाम के आधिकारिकता के विषय में विवाद भेला बाद आयोग दुनू पक्ष के बजा कर परामर्श शुरू कैने छल। आयोग अ विषय में काल नेकपा के वैधानिक देवाक निर्णय सेहो कलक। अ विषय में निर्णय कर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आ आयुक्त सबक संलग्नता में निर्वाचन इजलास गठन भेल छल। इजलास बहस सुनला बाद ऐन कानून देख कर तथा कानूनी परामर्श क कर निर्णय कलक। बहस में सत्तारूढ़ नेकपा के दिस मुक्ति प्रधान आ बाबूराम दाहाल सहभागी छल। ऋषि कटेल अध्यक्ष रहल नेकपा से कटेल सहित दंड पानी पोडेल आ लोक नारायण सुवेदी सहभागी छल। ऋषि कटेल अध्यक्ष रहल नेकपा से देल गेल निवेदन खारिज भेल। बीतल जेठ 3 गते पूर्व माओवादी आ पूर्व एमाले बीच एकीकरण भक बनल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आ ऋषि कटेल समूह के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच शुरू से नाम में विवाद होते आयल छल। यद्यपि पार्टी एकीकरण भक बनल नेकपा पार्टी के नाम बाद कोष्टक चिन्ह में नेकपा राखने से आयोग में एखन धरि दर्ता भेल 8 कम्युनिस्ट पार्टी सब कोष्ट भीतर के दोसर नाम राखने। समाचार में आप व्यवसाय विश्राम।
विश्रामबा समाचारमा स्वागत छ बाँकी प्रसंग प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका राजीनामा माग केलकैस कांग्रेस नेता रमेश लेखक बलात्कारबाद हत्या भेल बालिका निर्मला पन्तके हत्याराके एखन धरि पक्राउने सकलकैत गृहमन्त्री थापाका राजीनामा माग केलनैस काल काठमाडौँमा भेल कार्यक्रम ओ 3 महिना बितलोपर निर्मला पन्तके हत्या जन जघन्य अपराध करबलाके कारवाही गर्ने सकल बला गृहमन्त्री सब नैतिक रूपमे सियो राजीनामा देल जेबाक तर्क सियो केलनैस नेता लेखक निर्मलाका हत्याराके पकड़कर कड़ा से कड़ा कार्रवाई कर से सरकार का पुनः ध्यान आकर्षण करा लेने से वो सरकार का प्रति अधिकृत सबके बर्खास्त कर निर्मला पंत के हत्यारा के सरसन देव खोज रहल आरोप से लगा लगा इस निर्मला पंत बहनी को ये तो स्थिति में ये पररी कर्मचारी लाए मात्र चाहिए तो दोषी ठहरे आरोप बर्खास्त करने को रहा पररी कर्मचारी को हाकिम तक गृहमंत्री होनी अनि गृहमंत्री ने नैतिक रूप से पढ़ने पर संग पढ़ दें मैले हत्यारा पत्ता लगाउन सकेन भन्नु पर्छ कि पर्दैन त्यसो भनिराख्दै गर्दा सरकारमा बस्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन त्यो सरकारका माथि प्रश्न उठ्छ नि त्यसो भएको हुनाले म फेरि एकपटक भन्न चाहन्छु सरकार असफल हुँदैछ यसले चाहिँ त आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेको छैन र चाँडोभन्दा चाँडो जिम्मेवारी यसले पुरा गरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु प्रदेश सरकारको जहाँसम्म कुरा छ प्रदेशले परदेश को अनुसूची को एक नंबर में परदेश प्रहरी र शांति सुरक्षा एक नंबर में छ त्यसकारण जसरी केन्द्रीय सरकार को प्रहरी सञ्चालन गर्ने र देश में शांति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी छ दायित्व छ परदेश को पनि एक नंबर दायित्व भनेको प्रहरी परदेश प्रहरी र शांति सुरक्षा कायम गर्ने एक नंबर को दायित्व परदेश को त्यसो भएको हुनाले परदेशले परदेश में प्रहरी रहन्छ परदेश को प्रहरी परदेश को सरकार ने संचालन गर्छ त्यो पनि संविधान में व्यवस्था छ अध्यक्ष को हैसियत ने चीफ मिनिस्टर जी बोलाउने कांग्रेस नेता लेखक सरकार देश में शांति सुरक्षा देवा का पुनः असफल भेल दावी से केलेने संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा भारत में आयोजित भारतीय मोबाइल कांग्रेस में भाग लक स्वदेश फिर्ता भेलैस भारत का राजधानी नया दिल्ली में आयोजित कांग्रेस में भाग लक मंत्री बास्कोटा काल दुपहर स्वदेश फिर्ता आयलैस बिमेस्टे का आसियान राष्ट्र का संचार मंत्री स्तरीय अ कांग्रेस में दक्षिण पूर्वी एशियाली राष्ट्र सभा का सूचना प्रविधिगत विकास में मिलकर का काज कर साझा अवधारणा तय करवाक विषय में परामर्श कैल गए और जानकारी देने से त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय अभियान स्थल में संचारकर्मी संग बातचीत करते मंत्री बास्कोटा विपद के अवस्था सूचना प्रविधि का प्रयोग के प्रभावकारी बनेवा के विषय में से मंत्री स्तरीय बैसार में परामर्श कैल गए से बतौलन टेक्निकल अहिले पनि त्यो विषयवस्तु छलफल प्यानल सेसनहरू जारी छ र हाम्रो टिम त्यहाँ कार्यरत रहेको छ अब त्यस सँगसँगै भारतीय सञ्चार राज्य मन्त्री मनोज सिन्हा जो त्यहाँको के भन्छ त्यसलाई स्वतन्त्र कार्यभार सञ्चालन के हुँदो रहेछ त्यो भनेको हाम्रो भाषामा चाहिँ क्याबिनेट मिनिस्टर स्तरीय सम्पूर्ण अधिकार रहेको उहाँसित पनि भेटघाट भयो र हामीले खास गरिकन द्विपक्षीय भेटघाटको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल र भारत बिचको द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र सम्बन्धको सम्बन्धमा चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ र खास गरिकन सञ्चार क्षेत्रमा मिलेर काम गर्ने कुरा एक आपसको हितमा काम गर्ने कुरा एक आपसको साझा हितमा काम गर्ने कुरा र राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूलाई त्यस आधारमा अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्छ छलफल गर्नुपर्छ प्राथमिकताहरू राष्ट्रिय हितको आधारमा तयार गर्नुपर्छ तर पनि मिलेर सबै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा डिजिटल कनेक्टिविटी में मिलकर काज कर बिमेस्टेक 4 शिखर सम्मेलन के निर्णय के कार्यान्वयन में लजेबा के विषय में विस्तृत परामर्श कर भारत में संचार मंत्री स्तरीय बैसार बजाओल गए बैसारे मंत्री बास्कोटा भारतीय संचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाग संघ द्वितीय हित के विषय में से परामर्श कलन
सरकार सब तहक भुगतानी विद्युतीय प्रणाली से शुरू करबाक योजना आगू बढ़ाएल अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खदियोटा संघीय प्रदेश आ स्थानीय तह के सब भुगतानी विद्युतीय प्रणाली से करबाक योजना आगू बढ़ाएल अछि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में बाजत ओ भुगतानी के विद्युतीय प्रणाली सहज ढंग से संचालन कर सो सब बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके आग्रह कलन अछि। को पेमेंट शुरू कर सौ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ले पनि रेवेन्यू उठाउँछ र फेडरल गवर्नमेंट ले त उठाउँछ र हामीले सुरु नै गरिसक्यौं। त्यसो हुनाले यो सिस्टमलाई हामीले विस्तारै क्यालिब्रेट गरेर सबै किसिमको सबै तहका सरकारहरूले यो किसिमको प्रणालीको लाभ लिन सक्ने C2 761G त्यसमा जानुपर्ने भएको छ। अलि चुनौतीपूर्ण होला तर हामीले यो गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने हामी एउटा क्यासलेस सोसाइटी र ह्यासल फ्री ट्रान्ज्याक्सनमा हामी पुग्छौँ होला। हाम्रो चाहिँ हाम्रो एउटा सिन्सियरिटीमा पनि क्वेसन हुने भयो, खास गरी यो युटिलिटी सेक्टरमा देखिएको यो समस्या थियो। बिस्तारै अब पेमेन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट भइरहँदाखेरि त्यो चाहिँ स्पेसिफिक एमाउन्ट पैसामासम्म पनि हुने भएको हुनाले त्यो एक किसिमको एक्ज्याक्ट पेमेन्टको मोडालिटीमा जानलाई क्वाइन छ कि छैन या रुपियाँ खुद्रा छ कि छैन भन्ने कुरा यो मेटेरियल हुँदै गएको छ, त्यो पनि राम्रो कुरा हो। चेक बाउन्स हुने समस्या कति मान्छेलाई थुन्नु पर्यो यो चाहिँ कार्यक्रममा बाजेत नेपाल राष्ट्रिय बैङ्कके गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल सब बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सबके सब भुक्तानी वित्तीय प्रणालीसँग सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएले नै छ। वित्तीय प्रणालीसँग भुक्तानीको काज केलास आर्थिक क्रियाकलाप सहज ढङ्गसँग आगू बढ गभर्नर नेपालको कहब छ। सबै विद्युतीय प्रणालीबाट हुँदाखेरि चाहिँ नि अत्यन्त सरल र सहज रूपमा र आर्थिक क्रियाकलापमा पनि ठुलो योगदान पुर्याउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भुक्तानी तथा फसिल एन्ड जुन छ त्यो प्रोसेसमा छ, संसदमा जाने क्रममा छ सङ्घीय सरकारको, त केही समयपछि त्यो पनि आउँछ। त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले आरटिजिएसको लागि त प्रोसेस अगाडि चालि नै सकेका छौँ र त्यसमा पनि हाम्रो भुक्तानी तथा फसिल विभाग जुन छ त्यो विभागले चाहिँ अहिलेसम्म 28 ब्याङ्कलाई कार्य गर्न चाहिँ नि त्यसोलाई सपोर्ट गरेको छ भने खस सरकार सब तहका भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीसँग कर आवश्यक कानुन निर्माणको काजके त्यो आगू बढाएले समाचार फेर छ। व्यवसाय विश्रामको बाद पुनः समाचारमा स्वागत छ। बाँकी प्रसङ्ग सरकार बेगनास आ रूपा तालमे से विद्युत उत्पादन करबाक योजना सार्वजनिक कलकै छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बेगनास आ रूपा ताल से विद्युत उत्पादन करबाक योजना सार्वजनिक कलकै छ। शुक्र दिन काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बाजत ओ खाना पकाब ग्यासके विस्थापित हेबाक प्राधिकरणसँग विभिन्न ताल सबसँग विद्युत उत्पादन करबाक योजना आगू बढाएल स्पष्ट कलन अछि। पम्प स्टोरेज विधिसँग दुनू तालमे विद्युत उत्पादन करबाक प्राधिकरणके योजना अछि। प्राधिकरणके कार्यकारी निर्देशक घिसिङ विद्युत प्रसारण लाइनके स्मार्ट बनाब योजनाके से उच्च प्राथमिकतामे देल से जानकारी देलेने अछि। इन्डक्सन हिटरले चाहिँ हामीलाई म्याक्सिमम् पिक गराउँछ, तर त्यही भएर हामीले पिकिङलाई प्रमोसन गरेको छ। हाम्रो पिकिङ आइडोबारहरू आयो भने त्यो इन्डक्सन हिटर सबै एब्जर्भ हुन्छ र हामीले यो पम्प स्टोरेज यो फेवा के अरे बेगनास र रूपामा पम्प स्टोरेज बनाउने भनेर पनि लागेको छ। त्यो भनेको जस्ट यो यस्तै चिज रिप्लेस गर्नलाई हो। राति पम्प गरे बाँकी बेलुका चाहिँ पिकमा आउने बेलामा त्यसले जेनेरेट गर्ने 80% इफिसियन्सी दियो भने त पुगिहाल्यो। र स्पिल हुने इनर्जीबाट पम्प गर्ने र बेलुका पिकमा दिने गर्दाखेरि यसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ। अब एक्सेस टु अल इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस टु अल, अब हाम्रो एउटा चाहिँ अहिले ग्लोबल SDG 7 2070-30 ग्लोबल्ली सबैले चाहिँ एक्सेस पाउनुपर्छ भन्ने छ। त्यो हामी 5 हामीले चाहिँ एक्सेस टु अल गर्नुपर्छ। यसले पनि यसले खासै ठुलो इलेक्ट्रिसिटीको डिमान्ड बढाउँदैन, तर यो एउटा चाहिँ सोसल अब्लिगेसन गभर्मेन्टको अब्लिगेसन र त्यो कारणले यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ। सबै गर्दै 10 लाग्छ। अब सोलर चाहिँ झापै गयो भने
प्राधिकरण 5 वर्ष भीतर विद्युत से खाना पकाव आवश्यक अवस्था करबाक लक्ष्य लेने सेहो बतौलक अछि। प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक घिसिंग सिंह नेपाल ने विद्युत के ऊर्जा शक्ति के रूप में विकास कर कोनो कठिनाई नहीं रहल सेहो बतौलने अछि। अब खेल समाचार। आईसीसी विश्वकप ट्रफी टूर के कार्यक्रम आई पोखरा में संचालन होबय लागल अछि। ट्रफी काल सेमू में राखल छल। काल आई पोखरा प्रीमियर लीग के खेल हेबाक स्थल पोखरा रंगशाला में 12 बजे पहुँचाओत। ओत किछ समय प्रदर्शनी में राखत आ ओहि के बाद दोपहर 2 बजे फेवा ताल स्थित ताल बराही में राखत। आईसीसी नेपाल प्रतिनिधि भावना घिमिरे जानकारी देलने से 3 महीना से लंबा विश्व भ्रमण में रहल ट्रॉफी के ओमान, अमेरिका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, पाकिस्तान आ बांग्लादेश भ्रमण करा चुकल से। नेपाल बा ट्रॉफी भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, रुआंडा, नाइजीरिया, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड आ जर्मनी होत लगायत के होत लजायत। अब इस ट्रॉफी 21 देशक 60 शहर में भ्रमण करत। पोखरा प्रीमियर लीग क्रिकेट अंतर्गत आज 2 खेल हेत। पहल खेल में आई भिनसर 9 बजे चितवन राहिनोज आ बुटवल ब्लास्टर्स भिडल। चितवन राहिनोज नेपाली राष्ट्रीय टीम के नियमित कप्तान पारस खटका के नेतृत्व में रहल तो बुटवल से ओपनर बॉलर तथा ऑलराउंडर सोमपाल कामी के कप्तानी में रहल। तहिना के आज दोपहर 1 बजे काठमांडू रॉयल्स आ धनगढ़ी ब्लूज भिड़त। काठमांडू ज्ञानेन्द्र मलई कप्तानी में रहल। धनगढ़ी के नेतृत्व दीपेंद्र सिंह ऐरी कलक। प्रतियोगिता अंतर्गत आई भेल उद्घाटन खेल में घरेलू टोली पोखरा पल्टन से विराटनगर टाइटन्स ऊपर 58 रन के जीत निकालक। अंतिम के समाचार एक बार फिर से। काठमांडू कीर्तिपुर में ढल में पड़ एक गोटे साइकिल यात्री के जान गेल। बर्दिया से काठमांडू के लिए छूटल बस नवल प्राइस में दुर्घटना 11 घायल। विवाह पंचमी के लिए प्रदेश सरकार से 50 लाख सहयोग। प्रदेश सचिवालय भवन के नाम मधेश भवन रखबा के निर्णय। नेकपा का नामक विवाद मिलल। निर्वाचन आयोग से सत्ता सत्तारूढ़ दल नेकपा के आधिकारिक रूप में वैधानिक देल गेल। आ पीपीएल में आई पारस आ सोमपाल तथा दीपेंद्र आ ज्ञानेन्द्र के टीम प्रदेश व्यस्त। अपने जैठान सम्पन्न होते पपल खबर तेज नजर देखते रह अपन टेलीविजन। नमस्कार।